जी के मन की बात आपको समझ में नहीं आती है? मोदी जी माने बिल्कुल समझ में आती है, हर चीज समझ में आता है, उनका विकास समझ में आता है, उनका देश समझ में आता है। बाकी जो कुछ लोग हैं ना आजकल ना, उनके जो विरोधी हैं उनके पेट में दर्द बहुत हो रहा है। जनता की बात को भी सुनना चाहिए, जनता की बात तो मोदी जी सुनते नहीं। गरीबी बेबसी लाचारी पे बात करते नहीं, बेरोजगार पे बेरोजगारी बात करते नहीं। मानते हैं सपा ने बहुत काम किया, सपा जैसा किसी ने काम नहीं किया, कांग्रेस जैसा किसी ने काम नहीं किया। जानते क्या काम किया? घोटाला। छोटा सा सवाल है आपसे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा सनत सिंह। ठाकुर साहब ये बताइए, अगर घोटाला अखिलेश यादव ने किया है तो अखिलेश यादव जेल में काहे नहीं है? सुनिए, गुल्लक होता है ना, गुल्लक। हाँ, गुल्लक होता है, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बस उसी के लिए पैसा इकट्ठा होगा, पाकिस्तान खरीदना है। पाकिस्तान खरीद, बिल्कुल खरीदना है। पाकिस्तान खरीद पाएंगे? इनका हुलिया देखिए, पाकिस्तान खरीदने की है इनका हुलिया। आप भटका रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान खरीदने की बात कर रहे हैं भैया। इनकी एक गज कीमत नहीं है, ये दारू सफा में जमीन खरीद ले। मन की बात में आपको क्या क्या समझ में आया? देखिए, मन की बातें में यह है कि जो कुछ विकास की चीजें होती है वो हम मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको जनता के बीच में रखते हैं, उसमें क्या प्रतिक्रिया होती है वो चीज अपनी पूरी बात रखते हैं। उससे क्या होता है कि जनता समझती है कि हमारे लिए कौन देशहित की बात करता है। पहले किसकी बात होती थी? पहले अपने हित की बात होती थी, लेकिन अब किसकी बात होती है? अब देशहित की बात करती है। विरोधियों को दर्द क्यों होता है जानते हैं? पेट दर्द बहुत हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? वही पहले लूट पाते थे, अब लूटने नहीं पाते हैं। पहले घोटाले होते तो घोटाले नहीं हो पाते। घोटाला खत्म। मानते हैं सपा ने बहुत काम किया, सपा जैसा किसी ने काम नहीं किया, कांग्रेस जैसा किसी ने काम नहीं किया। जानते क्या काम ने किया? घोटाला। अच्छा, घोटाला होता था? बिल्कुल होता था। उस सपा सरकार में घोटाला होता था? अरे बहुत बड़े बड़े घोटाले होते थे, अखिलेश यादव के नेतृत्व में होता था। अरे वही अब आज निकले। सवाल है छोटा सा भैया, अरे रुको, एक छोटा सा सवाल है आपसे भैया, क्या नाम है आपका? मेरा सनत सिंह। ठाकुर साहब ये बताइए, अगर घोटाला अखिलेश यादव ने किया है तो अखिलेश यादव जेल में काहे नहीं है? देखिए, अखिलेश यादव नहीं किए हैं। अखिलेश यादव को जो है ना, अखिलेश यादव व्यक्तिगत बहुत अच्छे इंसान है, उनकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन जो उनके नीचे वाले हैं ना, नीचे मतलब है नीचे वाले। ये मतलब क्या है? अखिलेश यादव के सरकार में भ्रष्टाचार था, अखिलेश यादव जेल नहीं जा रहे हैं, कह रहे हैं वो अच्छे हैं। बताइए एक मिनट, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे ना? पीडब्ल्यूडी मंत्री कौन था? शिवपाल सिंह यादव। क्यों नहीं है नीचे और मंत्री? शिवपाल सिंह यादव जेल क्यों नहीं है? शिवपाल सिंह यादव जेल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये बताइए। जाएंगे सब, सब्र करिए, सब जाएंगे। जो जो गलतियां हुई पूरी लिस्ट निकल रही है यार भाई, पूरी लिस्ट निकल रही है। मैं लिस्ट कहाँ अटक गई है आपकी? निकल रही अटकी कहाँ? मैं एक बार साल हो गया, ये कही बात में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और ये है कि जैसे बावसीर का नाम आप लोग जैसे सुने होंगे। हाँ, बावसीर मैंने सुना है, बावसीर सुना है। चौराहे पे दर्द तो होता है, लेकिन चौराहे पे लोग हंसते हैं कि हाँ, लेकिन बताते नहीं है इनको दर्द। बावसीर हुआ है, इनको बावसीर है। यहाँ आइए भैया, आपको बावसीर है क्या? बावसीर है क्या? लेकिन अच्छा, बताएंगे नहीं। अच्छा ये बताइए, लेकिन बताएंगे ये नहीं कि मुझे बवासीर है। बवासीर है क्या? एक सिलेंडर कितने का भरवाते हैं? अच्छा ये बवासीर की बात हो रही ना? बवासीर क्या होता है इस पर बता दें। बवासीर क्या होता है? बवासीर आपको हुआ है? बवासीर आप, लेकिन आप बताएंगे नहीं, चौराहे पे केवल आप हंसेंगे। बवासीर को क्या कहते हैं ये बताइए, किस कारण बीमारी होता है ये बताइए। बवासीर का मतलब मेरी बताइए, हमें बवासीर मतलब बता दीजिए। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, माननीय योगी जी और माननीय जो मोदी जी, अगर भ्रष्टाचार देश से समाप्त करना चाहते हैं तो अपने एमपीओ के, जितने भारत देश में एमपी हैं और एमएलए हैं, उनकी संपत्ति की जांच कराएं। जितने आईएएस हैं आईपीएस हैं उनकी चार चार, ये बता रहे हैं अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार होता था, अखिलेश सरकार में चार चार छह छह फॉर्चूनर कहां से आई, किसके नाम आई, जिसके नाम ली गई, क्या उनकी जो है जीवन स्तर फॉर्चूनर खरीदने की है कि नहीं है, इनकी जाँच होनी। लखनऊ में घर, नोएडा में घर, गाजियाबाद में घर, देहरादून में घर, नैनीताल में घर, ये घर कहाँ से आए? उनके बच्चे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, तो ये संपत्ति उनके पास कहाँ से आई? जितने आईएएस आईपीएस हैं, जितने पीपीएस हैं, पीसीएस हैं, इनकी इनकी संपत्ति की जांच हो, तब देश से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आपको महंगाई लगता है? महंगाई लगता है, रुक जाए, आपको महंगाई लगता है भैया?
महंगाई लगता है। हाँ महंगाई लगता है। देखिए अगर पेट्रोल हमें 200 लीटर भी खरीदना पड़े ना खरीदूंगा 200 रुपए। लेकिन सुनिए, लेकिन सुनिए 200 रुपए में पहले 200 रुपए लीटर खरीदूंगा। और सिलेंडर, सिलेंडर हाँ जितने मांगो 2000 में खरीदूंगा। 2000 में खरीद लोगे? लेकिन देसी नहीं, नहीं सिलेंडर, सिलेंडर 2000 रुपए लिए अगर अपने आप को कुर्बान भी करने की जरूरत पड़ेगी ना, अपने आप को कुर्बान भी करेंगे। सिलेंडर 2000 रुपए में और पेट्रोल 200 रुपए में। पता जितने मांगो उतने में खरीदूंगा, लेकिन देश की बात जितना महंगा हो जाए देश की बात करूंगा, देश का सर कभी झुकने नहीं पाएगा। इसीलिए चोरी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब 200 रुपए पेट्रोल चोरी कर खरीदेंगे, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा किसी को, कहां खरीदेंगे बताइए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव सिलेंडर जो है 2000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। चोरी करेंगे तो भ्रष्टाचार, 2000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। पाकिस्तान खरीदना है जो आपको, पाकिस्तान खरीदना है। अच्छा ये बताइए यार, 2 मिनट रुक जा भाई, समझ लेने दो भैया कैसे खरीदेंगे। हाँ पाकिस्तान खरीदने के रहता है। सुनिए गुल्लक होता है ना, गुल्लक। हाँ गुल्लक, गुल्लक होता है, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बस उसी के लिए पैसा इकट्ठा होगा। पाकिस्तान खरीदना है, पाकिस्तान खरीद, बिल्कुल खरीदना है। क्यों मतलब, तो ऐसे भी बता रहे हैं लोग, वहाँ भीख मांग रहे हैं लोग, परेशान है। क्या चीज, जिस दिन गुजरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कुछ नहीं है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं गोल गोल। अरे करे पाकिस्तान खरीदेंगे, पाकिस्तान, ये फर्जी है, सब लोग झूठा बोल रहे हैं। पाकिस्तान खरीद लेंगे और ऑस्ट्रेलिया खरीद लेंगे, अमेरिका खरीद लेंगे। मोदी जी के मन की बात सुनिए, अभी क्या है ना, अभी लोग जो अभी जो लोग बोल रहे हैं ना, अच्छा, सुनिए मेरी बात, महंगाई नहीं है। अभी जो बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जिस दिन योगी जी लाल किले से शपथ लेंगे ना, दिल्ली में जाएंगे ना, उस दिन जिन मैं योगी आदित्यनाथ शपथ लेता हूँ कि आधे आदमी ना कहाँ जाएंगे ना पता नहीं, मतलब विपक्ष खत्म, विपक्ष खत्म, विपक्ष नहीं खत्म, पाकिस्तान खरीदने का इरादा बना रहे हैं। अरे इनका हुलिया देखिए पाकिस्तान खरीद पाएंगे, इनका हुलिया देखिए पाकिस्तान खरीदने की है, इनका हुलिया। ये चाइना भारत का पूरा अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया है, सिक्किम कब्जा कर रहा है, उसको हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी को। और जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उस सेना को इन्होंने बर्बाद कर दिया, अग्निवीर जैसी वाहत योजना में परिवर्तित करेंगे। सर मानी चाहिए ये। नहीं रुको रुको रुको, आप भटका रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान खरीदने की बात कर रहे हैं भैया। इनकी एक गज कीमत नहीं है, ये दारू सफा में जमीन खरीद ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए मैं आपको हजरतगंज में दिखाते मेरी जमीन कितनी है, हजरतगंज में दिखाते मेरी जमीन कितनी है, ठीक है। और सुनिए हजरतगंज जैसे पास इलाके में इनकी कितनी जमीन है, तो काम क्या करते हैं पहले पूछा जाए भाई, जमीन कहाँ से आया करते हैं भैया। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ, ठीक। और सुनिए, ये स्वास्थ्य अधिकारी है बड़े भाई साहब, आप बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को क्या कहा है, इनसे पूछिए ये कौन सा टीका लगा करके अस्पताल में कौन सी दवाई देते हैं, क्या किया है। अमेरिका जैसा है, सुनिए, अमेरिका जैसा कंट्री भारत, भारत का इंजेक्शन लगाते हैं कंट्री, सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए उदाहरण मणिपुर बता रहा हूँ, अमेरिका और भारत के कई कोने जले, मैं बता रहा हूँ आपकी बातों जवाब मैं दे रहा हूँ। ये नफरती डॉक्टर है, ये नफरती डॉक्टर बिल्कुल, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान खरीदने की बात, इसकी कीमत नहीं है, चीन भारत का जमीन कब्जा कर रहा है, उसने बोलने को